सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज चला रहे हैं रेप्सोल हॉर्नेट 2.0, तब तो रेप्सोल ही बोलूँगा मैं, सिर्फ हॉर्नेट नहीं बोलने जा रहा। और पिछले वीडियो देखो, उस पर कम्प्लीट रिव्यू दिया है बाइक के बारे में, क्या है क्या नहीं है। एग्जॉस्ट नहीं सुनाया था पिछले वीडियो पे, इस पर एग्जॉस्ट सुनाते हैं आपको। काफ़ी सॉफ्ट साउंड, पे प्रेजेंट है। अब चलिए डायरेक्ट इसे चलाते हैं और इसके पावर्स वगैरह को फील करते हैं। बैठ गए तो एक चीज़ अच्छी है इस बाइक में, वो इसका 1000 लाइट दी हुई है और इस पर गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है। काफ़ी सही लगता है, वाइट कलर पे फ्रंट का LED हेडलैम्प है और काफ़ी सही लग रही फ़िलहाल चलाने में। थोड़ी सी उठी हुई लग रही है बाइक मेरे को, मतलब कि हाइट काफ़ी सही है मेरे हिसाब से, बट आप लोग के हिसाब से अगर आप लोग 5'7" 5'6" के होते हो तो एक बार बैठ के देखना बाइक में, टेस्ट राइड लेके देखना। हालांकि अगर आप लोग हॉर्नेट लेने जा रहे हो तो मैं बोलूँगा यही कलर उठाना गाइस, काफ़ी शानदार लग रही है मेरे को। और बात आती है इसकी माइलेज वगैरह की, तो कंपनी क्लेम करती है 45+ और VS6 इंजन है, और सबसे बड़ी बात होंडा का इंजन है। तो होंडी का एक बाइक मैंने आपको दिखाया था, CBR 250R, जो प्रिंस भाई का था, उसको आप लोगों ने देखा। 9 साल के बाद भी उसका पिकअप काफ़ी शानदार है, जैसा मैंने चलाया था वो चेकआउट करना। तो मेरे को भी नहीं लगता कि इस पर कुछ वैसा दिक्कत आएगा आप लोग को, अगर आप लोग लेते हो एज अ सिटी राइड और ऑफिस राइडर के लिए। मैं तो बोलूँगा ये परफेक्ट है, स्पोर्टी है, मतलब कि एडवेंचरस इसका पोजीशन है, बट बॉडी पूरी स्पोर्टी लग रही है। ऑरेंज वाइट रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस पर, और हैंडलिंग वगैरह भी काफ़ी सही लग रही है। कहीं पाम वगैरह पे कहीं पे फोर्स नहीं पड़ेगा आपको, कंप्लीट अपराइट आप लोग बैठोगे, और जो स्मूथनेस इसकी है फील नहीं आएगी आप लोग को बाइक की चल रही है कि नहीं चल रही। काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, और स्टार्ट भी होगी तो आपको उतनी साउंड नहीं दिखाएगी, बिकॉज इसकी उतनी ज़्यादा साउंड नहीं है। हमें लेफ़्ट जाना है तो यहाँ घुस के मैंने गलती कर दिया, यहाँ से चलते हैं। और मेरे पीछे पिलियन भी बैठा हुआ है, उससे उतर के पूछेंगे कैसा लगा उसे बैठकर, पिलियन कंफर्टेबल है कि नहीं है, अभी ही पूछते हैं, कॉज चलती बाइक में पूछने में सही रहेगा। तुम बैठे हो पीछे? हाँ। तो कंफर्टेबली बैठे हो? हाँ। तो कोई वैसा दिक्कत? कोई ऐसा दिक्कत नहीं, और से बैठ सकता। और पकड़ने के लिए क्या पीछे ग्रैब रेल? ग्रैब भी दिया हुआ। तो थोड़ा कैसे, मतलब कि थोड़ा टाइट पकड़ के बैठना पड़ेगा? हाँ पकड़ के तो बैठना ही पड़ेगा। देखो तो सीट जो इसमें प्रेजेंट है गाइस, वो है स्प्लिट सीट, और मेरी कंफर्टेबल है पूरी, राइडर का सीट कंफर्टेबल है, और जो पिलियन का सीट है वो थोड़ा सा उठा हुआ है। तो पूछते हैं इससे कि इसको ज़्यादा आगे फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि आगे आ जाओगे या पीछे चले जाओगे? नहीं, स्टेबल लग रहा है पूरा, स्टेबल लग रहा है। तो बाइक पूरी स्टेबल है, थोड़ी चलते डायरेक्ट अब यहाँ से एक चक्कर लेके शोरूम। हालांकि चलाने में काफ़ी सही लग रही, बहुत ही ज़्यादा सही, और सॉरी हाई बीम पे चल रहा था बाइक इसीलिए दिक्कत हो रहा था फ्रंट वालों का, आई एम रियली सॉरी। वाइट LEDs इसमें प्रेजेंट है, देखोगे रात के टाइम पे अगर इसकी विजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बताना पहला वीडियो भी चेकआउट करना इसका रिव्यू का, कैसा लगा आप लोग को। मुझे तो काफ़ी लाइट वेट लग रही है बाइक, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अब थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, रुक के आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसे मैंने चला के देखा, कंप्लीट लाइट वेट बॉडी है, मतलब पूरी लाइट चलेगी और पूरे एडवेंचरस मोड पे, जैसा मैंने बताया सीट हल्का उठा हुआ दिख रहा है यहाँ से, बट आराम से पिलियन बैठा था, कॉज हल्का सा प्रोटेक्शन टाइप यहाँ पे, मतलब कि आपको आगे आने नहीं देगा, ये हल्का सा ऊपर में वेज टाइप, और ये कंप्लीट सॉफ्ट है, और ग्रैब रील वगैरह भी दिया हुआ है। लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इसके, ऑरेंज पे जो एलॉय है इसका वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो अब डायरेक्ट निकलेंगे सीधा शोरूम की तरफ, और सस्पेंशंस वगैरह भी अच्छे काम कर रहे हैं, कोई वैसा जर्क फील नहीं होने दे रहा है, स्मूथली निकाल रहा है। आगे USD प्रेजेंट है, अब पीछे मोनोशॉक है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको रेड कलर का। अब चलिए चलते हैं शोरूम। पिलियन के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, और अकेले तो कंफर्टेबल हो गई बिकॉज बहुत ही लाइट वेट है, और जो इसकी एक्सेलरेशन पावर है वो भी काफ़ी सही है,
आराम से आप लोग इसे चला सकते हो। ब्रेक्स वगैरह काफ़ी अच्छे फंक्शनिंग कर रहे हैं, सिंगल चैनल EBS है और जो इसकी रिस्पॉन्स है ब्रेक्स की काफ़ी सही है। लीन एंगल भी इसका काफ़ी अच्छा है, आराम से आप लोग लीन वगैरह कर सकते हो, बट ज़्यादा लीन मत करना। हालांकि टायर कॉन्फिडेंस आप लोगों को बहुत देगा, आप लोग लीन अगर अच्छे से नहीं करोगे तब तो पक्का फेंकाओगे कोई भी बाइक रहे। यहाँ से लेफ्ट लेके डायरेक्ट शोरूम की तरफ निकलेंगे, आगे से राइट लेना होगा। तो सिटी राइड करने के लिए ये परफेक्ट बाइक है, कितनी भी चला लो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, परफेक्टली आप लोग चलते रहोगे। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगेगा आपको इसे चलाने के बाद, और मैं तब से चला रहा हूँ इसे, कितना मैंने अप्रॉक्स 2 या 3 किलोमीटर चलाया होगा इसे। लुकिंग मिरर्स भी काफ़ी सही वर्क कर रहे हैं, हालांकि अभी तक तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी है लुकिंग मिरर्स की। डायरेक्ट यहाँ से शोरूम निकलेंगे और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा इसका रिव्यू। हालांकि होंडा डियो भी आई है रेपसोल में, उसकी भी रिव्यू आप लोग को देंगे। इसकी तो रिव्यू दे दी है, इसका 2 वीडियो हो चुका है, एक राइड रिव्यू एंड एक रिव्यू कंप्लीट डिटेल्स वगैरह। राइड एक्सपीरियंस इसका बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग कम्यूटर कुछ लेना चाहते हो कम्यूटर टाइप में, कम्यूटर प्लस स्पोर्टी और माइलेज अच्छी चाहिए और होंडा का इंजन है सबसे बड़ा बात, तो ये बोलूँगा मैं ये ले लेना, काफ़ी सही है और इसके राइवल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। हालांकि मैं कंपेयर नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन अगर कंपेयर करना है तो कमेंट करके बताना, कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे। राइट पे है शोरूम, डायरेक्ट चलते हैं शोरूम पे और वीडियो भी करते हैं एंड। देख सकते हो यहाँ पे शोरूम प्रेजेंट है, तो वीडियो करते हैं एंड। होप सो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।